भाजपा जजपा के बीच में हालात कुछ सही नहीं है और इसके नेता आपस में ही जुबानी जंग के लिए आमने सामने खड़े हैं। गठबंधन सरकार के नेता चाहे कितने ही बड़े दावे क्यों न कर लें, लेकिन सच्चाई तो यही है कि गठबंधन में कहीं न कहीं दरार पड़ने वाली है, क्योंकि जिस तरह से चौधरी बीरेंद्र सिंह व चौटाला परिवार में जुबानी जंग जारी है, उससे लग तो यही रहा है कि उचाना की लड़ाई से कहीं भाजपा और जजपा के बीच गहरी खाई न बना दे। चुनाव की घोषणा अभी हुई भी नहीं है, लेकिन उचाना से लड़ने को लेकर दोनों ही ओर से मुकाबलेबाजी होने लगी है। चाहे दुष्यंत चौटाला का परिवार हो या फिर चौधरी बीरेंद्र सिंह का परिवार हो, दोनों ही तरफ से उचाना विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने की दावेदारी होने लगी है। बड़ा सवाल तो ये उठता है कि अगर भाजपा जजपा गठबंधन के तहत चुनाव लड़ती है तो फिर उचाना से चुनाव कौन लड़ेगा? दोनों ही तरफ से जारी जुबानी जंग सिर्फ उचाना तक सीमित रहती है या फिर गठबंधन पर भी इसका असर पड़ेगा, ये तो आने वाला भविष्य ही तय करेगा। लेकिन इस सीट से चुनाव लड़ेगा कौन, इसका फैसला तो भाजपा केंद्रीय नेतृत्व को ही करना पड़ेगा। आपको ये बता दें कि साल 2019 में विधानसभा चुनाव में उचाना सीट पर भाजपा से चौधरी बीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता प्रत्याशी थी और जेजेपी की ओर से दुष्यंत चौटाला प्रत्याशी थे, जिसमें दुष्यंत चौटाला ने 47 से अधिक वोटों से प्रेमलता को हरा दिया था। फिर इसके बाद जेजेपी ने बीजेपी से गठबंधन किया और दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बने। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा आज।